शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर महादेव में पत्नी साधना सिंह के साथ किया पूजन अभिषेक दर्शन। पत्रकारों से चर्चा करने पर बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाए और सुख समृद्धि की कामनाओं को लेकर ओंकार महाराज के दर्शन करने के लिए आया हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अति उत्साहित होकर मुख्यमंत्री एवं उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह का स्वागत भी किया। ओंकारेश्वर श्रीजी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मुख्यमंत्री को शाल श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। आज स्थान मिला यहाँ, प्रार्थना तो यही है कि मध्य प्रदेश और अपने देश की जनता सुखी रहे, सबका मंगल और कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। अपने यहाँ कहा गया जगत हिताय चाह, सारे जगत के हित के लिए भगवान का कृपा और आशीर्वाद, कृपा बरसे, आशीर्वाद मिले, यही प्रार्थना। यहाँ स्वयं भगवान विराजते हैं, अद्भुत है और उन्हीं की इच्छा से यहाँ सारे निर्माण के काम होंगे श्रद्धालुओं के लिए। एक तरफ ओंकारेश्वर भगवान की कृपा सब पर बरसेगी, ममलेश्वर भगवान की कृपा सब पर बरसेगी और दूसरी तरफ एकात्म धाम यहाँ बन रहा है। आदि गुरु भी उन्हीं का अवतार थे और यहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान का मूल है एक ही चेतना समस्त प्राणियों में है, तो हम सब मिलके एक है, सारे विभेद समाप्त हो जाए और एकात्म धाम एक ही चेतना सब में, ये संदेश पूरे विश्व को देगा और इसका स्वरूप भगवान की कृपा से ऐसा बनेगा जो सोचा है कि यहाँ पूरी दुनिया यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए आएगी। ज्ञान भूमि है, यहाँ आदि गुरु को ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको गुरु मिले और इसलिए इस ज्ञान भूमि से समस्त विश्व को ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसी रचना यहाँ पर बन रही है, उन्हीं की कृपा से बन रही है।